बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी, ये सेकंड डे का व्लॉग है ये। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे फैमिली फ्रेंड्स एक होते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर समझे, जिनके इसरार पर कह लें या जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ था, तो वही हमें घर पर आए और उन्होंने मतलब मियाँ जी को और दाऊद को लेकर ये लोग आ गए थे रंटका लेने यहाँ पर। तो ये जो थी डॉज कैरवान है ये। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख रही होती हूँ अक्सर गाड़ियों में, अक्सर बेशतर, खैर मैं तो इस वक्त यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मियाँ का इन लोग का जहन बन चुका है कि ट्रंक जो होना चाहिए ना वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ सामान होता है। और वैसे भी इस वक्त हम एक सफ़र पर निकले हुए हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़ासकर पानी की। तो समझ लें कार्टन ही जो होता है ना, बैग पूरा जो होता है यहाँ पर, क्योंकि रियाद में कार्टन होता है, यहाँ पर पूरा बैग की शक्ल में होता है, तो वो मैं ट्रंक में डाल देती हूँ। तो उससे होता है कि कहीं पे भी आप हाईवे पे भी निकले हुए, दो तीन घंटे का भी सफ़र है, तो आपको बिल्कुल ये नहीं होता कि रुक रुक के आप बकाले से या कहीं से शॉप से पानी ले रहे होते हैं, बच्चों को पानी तो चाहिए होता है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त जो रेंट कार हम ले रहे हैं ना, वो तकरीबन एक महीने के लिए ले, ठीक है ना, पूरा एक महीने का तो हम इनका पैकेज करा ही रहे हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर वीडियो ज़रूर बना लेनी है। मैंने आपके साथ पिछली दफ़ा का अपना तजुर्बा भी शेयर किया था, तो इसी तजुर्बे को, इसी चीज़ों को देखते हुए यही है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से निशानात हैं वो सारे आपने नोट कर लेने हैं, दिखा देने हैं। वैसे तो सारी इनकी फ़ाइल वगैरह जो रेंटा कार्स वगैरह के होते हैं वहाँ पे उन्होंने सारी फ़ाइल वगैरह बनाई हुई होती है, उससे सब कुछ मेंशन होता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये अगले को पागल बनाने के लिए ना कुछ चीज़ें नई भी होती ना, वो भी अगले के गले में डाल देते हैं। तो इस तरीके से खैर यहाँ पर मैं दो तरीके से वीडियोज़ बना रही हूँ, एक तो यही है कि भाई मैंने ब्लॉग के लिए बनाना है, दूसरा ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास एक रिकॉर्ड होगा कि आपने किस हालत में ये रेंटा कार ली। अच्छा जी, रेंट का लेने के बाद ये लोग जो हैं दाऊद और मियाँ जी जो हैं लोग घर पे आए, घर में वापस सब लोगों को लिया और बस फिर उसके बाद हम निकल गए हैं। कहाँ निकले हैं? वहीं पर जो मेरी फेवरेट जगह है ना, वो क्या है, ग्रॉसरी करना। फेवरेट जगह कह लें इसको या फिर कह लें कि मेरी ज़रूरत यही होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे किचन वगैरह मेंटेन करना है, सारा कुछ करना है। घर में इस वक्त तो आपने देख ही लिया है कि कुछ भी नहीं है, फैरी भी नहीं है, मतलब खाने पकाने को तो छोड़ें आप, हाथ धोने के लिए भी कुछ नहीं है। तो सारी चीज़ें लेनी है आपने यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर आने के बाद मैं बहुत से लोगों से बहुत सारे सवालात मैं करती चली जा रही थी, तो हर कोई फैमिली साइज़ को देखते हुए यही मशवरा दे रहा था कि भाई आप कॉस्को का कार्ड बनवा लीजिए। कॉस्को का आपने कार्ड बनवा लेना है, कार्ड बनवा लें या इसको कह लें कि आप मेंबरशिप लेनी होती है आपको, क्योंकि जब तक आपके पास मेंबरशिप नहीं होती उस तक आप शॉपिंग नहीं कर सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जिसका कार्ड बना हुआ होगा शॉपिंग करता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों ने कहा कि भाई दोस्त के कार्ड पर जाकर शॉपिंग कर लो, इसके कार्ड पर कर लेना, ये कर लेना, लेकिन हमारे यहाँ तो वही बात है ना, हर वक्त हमें कुछ ना कुछ लेने जाना ही होता है। तो हमने कहा नहीं भी अपना ही कार्ड बनवा लें ताकि सुकून के साथ हम अपना टाइम जो है गुजार सकें, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। बच्चों का साथ है, आप ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने फ्रेंड्स को बार बार कहते रहें कि भाई अब हमारे साथ दूध लेने चलो, अब जी अंडे लेने चलो, अब डबल रोटी ख़त्म हो गई, अब डबल रोटी लेने चलो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए बेहतर यही हमने समझा कि एक कार्ड हम बनवा लें। यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, $60 का भी होता है, $100 का भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन हमने जो है सबसे कम वाला ही लिया था जो कि $60 का था। और उसकी वजह यही थी कि भाई अभी हम नए भी हैं, अभी हमें सारा कुछ देखना भी है कि इसका क्या हाल है कैसा है, अगर हम इससे मुतमईन हुए तो हम इसको अपग्रेड करा लेंगे। अच्छा जी, जब आप छुट्टियों पे होते हैं ना तो आपके पास कोई टाइमलाइन नहीं होती कि इतनी जल्दी आपने घर पहुंचना है इस टाइम से इस टाइम तक। खैर मेरे जैसे तो उनको तो हर वक्त ही होता है कि भाई आधा घंटा है तो आधा घंटे में ही ग्रॉसरी करनी है, आधा घंटा है, 15 मिनट है, एक घंटा है, टाइम लिमिट लगा के रखते हैं, टाइम उस टाइम फ्रेम में काम को निपटा रहे होते हैं। मगर जब आप छुट्टियों पर होते हैं ना तो हमें चाहिए कि अपने इस टाइम फ्रेम को तोड़ दें और उसके बाद हम आसानी के साथ रिलैक्सिंग मूड में शॉपिंग करते चलें। तो बस ये यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं कॉस्को पे। और कॉस्को की एक बात ये भी थी कि जो लोगों ने कहा था कि यहाँ पे हर चीज़ बल्क में मिलती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है, तो फैमिली साइज़ के हिसाब से यही है कि भाई आप यही लें ताकि ख़त्म भी हो जाए। लेकिन अगर आप लोग कम कम चीज़ें लेते हैं तो उसके लिए कॉस्को बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप उसको लें।
चलो जी, यहाँ पर हम आ गए हैं और मेंबरशिप कार्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं, गोल्ड स्टार जो है ना $60 वाला, ये हम यहाँ पर ले रहे हैं। और इसमें वही बात है कि जिसके नाम पे कार्ड होगा ना, उसी की पिक्चर भी यहाँ पर होगी ना, तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा अगर आप लोग कर रहे हैं ना, तो जो भी जिसका भी कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसका होना ज़रूरी होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आ गए हैं। अब जैसे कि आपके सामने था, कुछ समझ लें ब्लैंकेट्स हुए, चीज़ें हुई, मैं लेकर आई थी और कुछ मैं नहीं लेकर आई थी। जो कमी थी ना, वो मैंने कहा सबसे पहले मैं यहाँ से पूरी कर लूँ। कुछ ब्लैंकेट्स से तकिए थे, जाहिर सी बात है तकिए तो मैं यहाँ से नहीं लेके जाऊँगी ना रियाद से, तो फिर इसका यही था कि वहाँ जाकर ही हमने परचेजिंग की थी। अच्छा जी, यहाँ से ये तकिए थे कुछ, और साथ में देखने थे हमने कि कौन से वाले लेने हैं, क्योंकि वही बात है, क्योंकि 8 घंटे की रात आपकी गुजरती है तकिए पर, तो तकिए का आपकी गर्दन के हिसाब से सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कैल्विन क्लाइन के हमने तकिए लिए थे, और यहाँ पर, और इसका ये था कि ये समझें एयर्स वाले, जैसे आप खोलेंगे कुछ तो फूले हुए थे और कुछ जो थे एयर खुलने के बाद इसने खुलना था। अब यहाँ पर हमें शावर कर्टन भी लेना था, और उसकी वजह यही थी कि एक तो ये लगा हुआ भी नहीं था, क्योंकि हमने जो घर लिया है वो ब्रांड न्यू है, तो हर चीज़ आपने ना ख़ुद से ही लेनी है। और दूसरा ये यहाँ पे तो मसला ये भी है ना कि यहाँ पे ड्रेन सिस्टम नहीं होता है, तो कर्टन वगैरह मस्ट है कि आप बग़ैर कर्टन लगे हुए नहाएंगे ना, तो सारा पानी जो है ना वो टब से बाहर आएगा और फिर उसको सुखा दे रहे हो टॉवल से, तो कर्टन लेना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। दूसरे मैट्स वगैरह भी मैंने यहीं से लिए। अब पैसेज में जाहिर सी बात है कि अभी तो सोफे वोफे नहीं डाले हुए, तो एक यहाँ से कारपेट लिया, ये कारपेट मैंने जानबूझ के जो है ना थोड़ा मल्टी कलर्स में लिया था, लाइट कलर्स में नहीं लिया था, मैंने कहा किचन के साथ होगा ये बिल्कुल ही, तो बच्चों ने लाजमी, क्योंकि खाएंगे पिएंगे पेंटिंग करेंगे कुछ ना कुछ इस पर निशान लगाना है, कि मैंने हल्का कलर ले लिया, तो फिर मैं बच्चों को हर वक्त रोकती टोकती रहूँगी, तो इससे बच्चों का भी मूड ख़राब होगा और मेरा तो हो गई होगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आ गए थे दूध। अच्छा, यहाँ पर ये था कि हर चीज़ ढूंढनी है, हमें पता ही नहीं कि कहाँ पर क्या चीज़ है, हमें पता ही नहीं कि सब्ज़ी कहाँ पे मिले। अब ये डेयरी की तरफ जाना है तो यहाँ पे दूध दही मिलेगा, या प्रोड्यूस की तरफ जाना है तो यहाँ पर जो है वो जो फल वगैरह हैं वो मिलेंगे। और ये मतलब समझें, ये आपको तो वीडियो में ऐसा लग रहा है ना फ़ौरन से, लेकिन ये काफ़ी ढूंढने के बाद हमें पता लगा था, तो यही मैं आपको गाइड करूँगी कि इस तरीके की, पहले से अगर मतलब वीडियोज़ वगैरह देखा हुआ हो या बनी हुई हो तो आपको आसान होता है कि भाई इधर जो है अलग अलग रूम्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर जाके आपने दूध लेना है, यहाँ पर आपने फल लेने हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं ना जो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं रखे जाते, स्ट्रॉबेरी भी उनमें से एक ही होती है, तो बस यहाँ से मैंने सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज और बेरीज़ और चेरीज़ लीं, और उसकी वजह यही थी क्योंकि इनके बगैर तो नाश्ता कॉर्नफ्लेक्स वगैरह का ज़्यादातर होगा तो होगा ही नहीं। चलें जी, यहाँ पर हमारी शॉपिंग जो थी वो तकरीबन हो गई थी, और उसके बाद बच्चों का यही था कि भूख लगनी शुरू हो गई थी, तो बस हमने कहा कि सबसे पहले जो है हम खाने खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे घर की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे कॉस्को का पिज़्ज़ा लास्ट टाइम हमने वहाँ पे खाया था एरिजोना में, तो वहाँ पर बड़ा मज़ा आया था बच्चों को, तो ये वही हमने यहाँ पर भी ऑर्डर किया कॉस्को का, और यहाँ पे इसके पिज़्ज़ा का साइज़ भी बहुत बड़ा है, रियाद से अगर इसे कंपेयर करें वैसे भी बड़ा है, और रियाद से कंपेयर करें तो रियाद वाला तो इसके सामने बिल्कुल बच्चा पिज़्ज़ा लग रहा है। तो ये चीज़ पिज़्ज़ा हमने यहाँ से लिया था, और गर्म गर्म सर्विंग होती है, तो ये बड़ा अच्छा रहता है कि आप यहीं पर शॉपिंग करें, यहीं से परचेज़ करें और यहीं से खा लें। अच्छा जी, यहाँ पर लोगों का कहना यह है कि क्रिकलैंड जो है वो यहाँ का कॉस्को का एक ब्रांड है, और इसकी चीज़ मुज़रेला चीज़ जो है वो हलाल है, तो बस यहाँ पे लोगों की बातें सुनने के बाद हमने कहा चलें जी खा लेते हैं इस चीज़ को भी। अच्छा जी, अब यहाँ पर था ये, देखें मैंने आपको पहले भी कहा था ना, गाड़ी का ट्रंक हम ज़रूर देख रहे होते हैं, ज़्यादा बड़ा सा अब वो यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो इसी में हमने कारपेट रखा, इसी में हमने सारा सामान रखा, और बस जी अब हम चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इसी गाड़ी में हम लोग भी हैं, हमारा सामान भी है, बिल्कुल इसमें बैठने के बाद हमें पाकिस्तान की याद आ गई कि एक गाड़ी में दो फैमिलीज आराम से बैठती हैं और जाती हैं। चलें जी, बस अब हम पहुंच गए हैं, तो बस यही था कि हमने बच्चों से यही कहा था कि गाड़ी जो है ना वो गैराज में लियो, उससे फ़ायदा ही होगा कि सामान जो है ना एक एक करके तकिया करके जो है ना बच्चे लेकर नहीं आ रहे होंगे, एक सा वो घर का दरवाज़ा खोल के सब चीज़ें आराम से चली जाएंगी, क्योंकि रास्ते में बारिश अलग हो गई थी तो उसकी वजह से और थोड़ा सा ना मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा ये भी था कि चीज़ें भीगे ना,
और बड़ा अच्छा रहता है इस तरीके से आप गाड़ी को गैराज में खड़ा करें और सामान फिर आराम से अपना उतार दें। चलिए बस यहाँ पर मैंने कहा पहले बच्चों से कि कारपेट लगा दो और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो चीज़ें हैं ना वो मैं सारी इस पर डाल दूँगी, डंप कर दूँगी, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है आप ऊपर लेके जाएँ फिर जहाँ की चीज़ें हैं वहाँ पहुँचाएँ तो बस। और आपको तो पता ही है कि बच्चे जहाँ पर होते हैं वो हर चीज़ में फ़न ले आते हैं, ज़रा सी भी कोई चीज़ इवन के छोटा सा मोती भी मिल जाएगा ना हम उससे भी फुटबॉल खेलें, बलून होगा ना हम उससे भी फुटबॉल खेल लें। तो बस जी यहाँ पर अब जो चीज़ें ली हैं वो सब ला के मैं यहाँ पर डाल दूँगी और गाड़ी से जो सारी चीज़ें हैं वो आ नहीं रही हैं बल्कि कैच एंड कैच खेला जा रहा है, एक एक को दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है वो जो एक ना जैसा एक को एक चीज़ पकड़ाएगा फिर दूसरा पकड़ेगा फिर तीसरा पकड़ेगा, तो बस यहाँ पर यही खेल चल रहा है। चलिए जी यहाँ पर हम कॉस्को से शॉपिंग करके आ गए हैं, लेकिन वहाँ की जो बात है कि वहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा समझे क्वान्टिटी में आपको लेनी पड़ रही थी, तो क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर कम कम चीज़ें लेनी थी तो इस वजह से मैंने जो चीज़ें समझ आई वो मैंने दे दी और फिर दूसरा हमें 2 बजे के करीब फिर से निकल जाना था और इस वक्त जो है 2 बजे में सिर्फ 10 मिनट रहे हैं, तो इस वजह से जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की चीज़ें थी वो मैंने ले ली। फ्रिज अभी है नहीं तो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट नहीं ली, उसमें सिर्फ दूध लिया है और दूध भी यहाँ पर थैलियों में है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो जी देखते हैं ग्रोसरी का, अब इस तरह तुम साथ चला तो यहाँ पर ये बच्चों ने लिए हैं बन जिसे कहते हैं, ठीक है, और बच्चों को बहुत पसंद है तो इस हिसाब से ही आ गए हैं। दूध में आपको ये देखें सर मैं खोलूँगी ना इनके पास उस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से बॉटल में या जार में हमने करना है। ये 4 लीटर है एक बैग में समझो, ठीक है। अच्छा जिसको मैं साइड पे कर दूँ ताकि गिरे ना। स्ट्रॉबेरीज ली है मैंने, उम्मीद है कि रात तक सुबह तक ख़त्म हो जाएगी क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही सामान लेना है जो कि एक दिन के अंदर मैक्सिमम एक दिन वरना उससे कम टाइम में ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये चेरीज हैं ये भी सुबह तक ख़त्म हो जाएगी, समझ लीजिए नाश्ता है मेनली, ठीक है। अभी इसमें से एक कॉन्फ्लेक्स का डब्बा गायब है बेटा मेरा वाला। अच्छा जी ये है एप्रिकॉट नेक्टर, ठीक है, और साथ ही ये क्रॉसेंट्स हैं, ठीक, और ये कॉफ़ी है, अभी इसका क्रीमर वगैरह वनीला वगैरह का रहता है, चाय का ये ले लिया है टी बैग्स, मगर अभी जो है वो इसकी चाय का दूध हुआ और कैटल हुई चीनी हुई वो चीज़ें भी रहती हैं, जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे मैं लेती जाऊँगी, ठीक है। बच्चों ने ये फ्रूट लूप लिए हैं इन्होंने, अच्छा ये कुछ बच्चों को ये पसंद है और कुछ बच्चों को ये पसंद है, ठीक है, चीनी और धन्यवाद। तो इन दोनों में चीनी की ज़रूरत नहीं है, साथ में मैंने अपने डाइटिंग के हिसाब से जो है आ रहा है इसमें ये ओट्स के मैंने लिए हैं एलमंड के साथ है ये, ठीक है, फ्लैक्स हैं ओट फ्लैक्स हैं इससे डबल रोटी, डबल रोटी का भी यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कॉस्को में हर चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में मिलती है, तो ये 3 का पैक्स है। साथ ही ये पानी है, ये मैंने कल तक की चीज़ें ले ली हैं, बाकी के जैसे होती जाएंगी वैसे मैं आपको दिखाती चलूँगी। साथ ही ये न्यूट्रेला है, ठीक है। अच्छा इसमें ये देखें हमारे उधर ये शीशे की होती है, यहाँ पे प्लास्टिक का है तो टेस्ट में भी फर्क है, लेकिन यहाँ पर अभी प्लास्टिक वाली बॉटल का अवेलेबल था तो मैंने कहा यही मैं अभी ले लेती हूँ। तो जी इसके साथ बस ये यहाँ पर अच्छा जी इसका जो साइज है वो आप देखें किंग साइज समझेगा, क्योंकि अभी जो पिछले में देख रही थी वो ब्लैंकेट्स जो थे या जो भी थे वो सोफों के हिसाब से थे, तो अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। बस इसी तरीके का ये है, ये ज़्यादा गर्म होगा उम्मीद है। वैसे तो कारपेट बहुत अच्छा लगा हुआ है बट ये नीचे के लिए क्योंकि हमें डिस्पोजेबल लिया है ना कि बस अगर किसी को कारपेट से एलर्जी हो जो कि अभी तक तो नहीं है लेकिन अगर हो तो उस पर आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें ली हैं ना यही सोच के ली हैं
कि क्योंकि वापस जा नहीं सकेंगी ये, या जा भी सकेंगी पता नहीं मुझे, लेकिन डिस्पोजेबल के तौर पर ही नहीं है। तो ये छोटा सा मैंने मटका ले लिया था, ये इस तरीके से है, ये इसका कवर है, इसको वापस रखने के लिए। चलो ठीक है, और इसको हम खोल देते हैं, कहाँ से इसको कट करना होगा। वैसे पता है इसको आप डिस्पोजेबल भी यहीं से काटो ना, यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जैसे अगर आपके मेहमानदारी होती है ना तो उसमें भी बड़ा अच्छा लगता है ना, कि आपने इसको कम जगह लेगा और स्पून के साथ मेहमान को आप सुला सकते हैं। अभी शायद एयर इसमें कुछ, ये वैक्यूम हुआ है, इसको भी हम काटेंगे तो ये देखिए एयर की आवाज़ है। अरे हवा भी आ रही है, ओला पड़ रहा है, नहीं मैं काट रही हूँ। हैं ये बच्चा को, कुछ बच्चे को दिला रहे हैं, इसको इसका फ्लो बना सकते हैं। अभी ये तकरीबन 2-4 घंटे लेगा अपने आप को मोटा करने में। अगर खवातीन होती तो वो तो फौरन से खा पी के मोटी हो चुकी है। खैर ये हमारा तैयार हो गया है, इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि रात तक जो है ना ये अपनी सही शक्ल में आ जाए। तो बस इसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है 7 बज रहे हैं, 7:00 PM है, और यहाँ पे जो सूरज का समझें कि वो ग़ुरूब होता है वो तकरीबन 8-8:30 तक इस तरीके से हो रहा होता है। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं, एक फ्रेंड के यहाँ हमारी डिनर है तो उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो बस यहाँ से अब हम निकलेंगे। तो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा है कि जो कुछ भी हो रहा होता है ना वो दिन है, और सारे काम आपके दिन में निबट जाते हैं, और फिर आप एकदम से दिन से फौरन से रात होती है, और रात होते ही आपने सो जाना होता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि दिन बहुत बड़े बड़े से हैं। तो बस ये चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा इस सफ़र में भी। चले जी, हमारा ये आज का दिन भी पूरा हुआ, अब हम दावत में जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। और वही बात जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि अगला अगर कंफर्टेबल होगा तो मैं ज़रूर वहाँ की वीडियोस बनाऊँगी, अगर बनाई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इस मैसेज के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक और भी मैसेज आपको मैं दूँगी, बल्कि मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और वो इस तरह नहीं पहुँचेगी, बल्कि आपको बेल आइकन को प्रेस करने के बाद वो जो 3 ऑप्शन आएंगे उसमें जो सबसे ऊपर वाला ऑल वाला है उसको प्रेस करना है। तो इसके साथ ही आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।